لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا العلم والعلماء ورثة الأنبياء وأكرم بهم وارثا وموروثا. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الله تعالى نے आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए तमाम जमी इंसानियत को हदायत का एक रास्ता बतलाया है कि लोगों, मेरे बंदों, तुम उस वक्त कामयाब हो सकते हो कि जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलोगे, उसके बगैर तुम कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक मुकाम पर फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। ये वो हुक्म है कि जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को दिया है कि तुमने कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है। इससे किसी को भी भागने की इजाजत नहीं है कि कोई ये कहे कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ना करूं और मैं कामयाब हो जाऊं। ये तो हर एक के ऊपर लाजिम है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये आयत मुबारका कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुम अल्लाह के लोगों, इताअत करनी है वो तो करनी करनी है, लेकिन इस आयते मुबारका में अल्लाह ताला ने जिस चीज का हुक्म दिया है हमें वो ये है कि लोगों, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करे तो जरूरी है कि तुम मेरे नबी की पैरवी करो, मेरे नबी की इत्तिबा करो। एक लफ्ज़ है इताअत करना, एक लफ्ज़ है इत्तिबा करना। इसके ऊपर बात हम बाद में करेंगे, उससे पहले इस आयत मुबारका का ये जो पहला जुमला है इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुम अल्लाह कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा अगर तुम ये चाहते हो। ये जो मोहब्बत अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद के अंदर बयान की है, तो अगर हम मोहब्बत की तरफ देखें तो मोहब्बत ये एक रहमत हुआ करती है, मोहब्बत लताफत हुआ करती है, मोहब्बत दिलों के ऊपर राज किया करती है, मोहब्बत अकल के ऊपर राज किया करती है। हजरात इकरामी कदर, मोहब्बत की दो किस्में हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर मोहब्बत का जिक्र किया है। अब हमें समझने की जरूरत यह है कि वो कौन सी मोहब्बत है जो अल्लाह ताला को हमसे मतलूब है। मोहब्बत की दो किस्में हैं, एक मोहब्बत हकीकी होती है, एक मोहब्बत मजाजी होती है। मोहब्बत हकीकी ये मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के साथ है, जो जायज है, जो हलाल है। और दूसरी मोहब्बत मोहब्बत मजाजी है
कि ये मोहब्बत इंसान को अपने रिश्तेदारों से होती है, बाप को अपनी औलाद से होती है, मियाँ को अपनी बीवी से होती है, बीवी को अपने मियाँ से होती है और बच्चों को अपने वालदैन से होती है। ये मोहब्बत उस वक्त जायज होगी, ये मोहब्बत उस वक्त हलाल होगी जब ये मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक हो। अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है लेकिन अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक मोहब्बत नहीं करता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मोहब्बत का पैमाना भी बतला दिया, फरमाया अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग्ज़ु लिल्लाह। अगर मोहब्बत किसी से करनी है तो वो अल्लाह ताला के लिए करनी है, अगर किसी से नफरत करनी है वो अल्लाह ताला के लिए करनी है। लेकिन हमारी कैफियत क्या है, हमारे मुसलमानों का हाल क्या है कि हम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं अपने मफाद की बना पर, अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो अपनी तरजीहात की बुनियाद पर, और अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो अपनी दुश्मनी, अपनी नस्ल के लिए, अपने खानदानी तअस्सुब की वजह से किसी से नफरत करते हैं, जो कि इस्लाम का मियार नहीं है। जब जब इकबाल ने देखा कि बरसगीर के मुसलमान, इनकी हालत क्या है, इनकी कैफियत क्या है, जब उसने इस्लाम को पढ़ लिया तो उसने कहा कि आज का जो मुसलमान है उसकी कैफियत ये है कि बेखतर बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। अकल है, अकल है कि वो क्या करती है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको दावते तौहीद दी, उनके बुतों को मस्मार किया तो नमरूद ने कहा आग को जलाया जाए, इसको आग के अंदर फेंका जाए। तो इकबाल कहता है एक मोहब्बत वो थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपने अल्लाह ताला से कि उन्होंने सोचा नहीं, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी खतरे के उन्होंने आग के अंदर छलांग लगाना गवारा कर लिया। लेकिन आज का मुसलमान क्या है, दूसरे मिसरे के अंदर इकबाल फरमाते हैं, इकबाल फरमाते हैं कि मुसलमानों की कैफियत ये है कि अकल है, अकल है के, अकल है के लबे लाम अभी, अकल ने ऐसा इंसान को, ऐसा मुसलमान को बना दिया है कि जब इसके सामने ये बात की जाती है कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत की जाए तो उस वक्त इसकी कैफियत क्या होती है, इसकी अकल इसके आड़े आ जाती है, कहते हैं कि मैं ये काम क्यों करूं, मेरी अकल ये कहती है कि इसके अंदर मेरे लिए ये फायदा नहीं है। ये बुनियादी चीज है कि हम जब मोहब्बत को समझेंगे तो उस वक्त हमारा दिल करेगा कि हम अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। ये मुसलमानों की कैफियत है कि वो इस वक्त अपनी मोहब्बत, जिसका वो नारा लगाते हैं, जिसका वो इकरार करते हैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ, वो मोहब्बत मोहब्बत नहीं, वो अपनी अकल के ताबे होकर चलते हैं। और अकल और मोहब्बत ये दोनों मुतजाद चीजें हैं। अकल का काम मुसलमान के लिए सिर्फ इतना था कि उसने बतला दिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये आखिरी नबी हैं, इनकी पैरवी करनी है, इनके तरीके पर चलना है। आगे काम मोहब्बत का है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इश्क का है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत होगी, इश्क होगा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे हमने अपनी आंखों को बंद करके चल पड़ना है। फिर नहीं ये देखना कि इसके अंदर हमारा नफा है कि नहीं है, इसके अंदर हमारा नुकसान होता है कि नहीं होता, आंखें बंद करनी, उसके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल पड़ना है। ये है मोहब्बत का तकाजा। और मैं आपके सामने बयान कर रहा था कि मोहब्बत की दो किस्में हैं, एक हकीकी मोहब्बत, एक मजाजी मोहब्बत। अब हकीकी मोहब्बत और मजाजी मोहब्बत में फर्क क्या है? हकीकी मोहब्बत जब किसी से हो जाती है
तो उस वक्त मुहिब का ये दिल करता है कि उसके महबूब की सब की सब लोग सबरी की सारी कायनात उसके महबूब की तरीफें करें। जैसा कि अल्लाह ताला ने अपनी इस आयत मुबारक में इरशाद फरमाया, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, अगर मैं तुमसे मोहब्बत करूं तो उसकी शर्त यह है कि तुम मेरे महबूब की पैरवी करो। ये है हकीकी मोहब्बत। और इसके मुकाबले में मजाजी मोहब्बत, ये नौजवानों के लिए जुमला है कि मजाजी मोहब्बत वो होती है कि जिसके अंदर मुहिब ये चाहता है कि उसके महबूब की तरफ कोई आंखें उठाकर न देखे, जिसके अंदर मुहिब ये चाहता है कि उसके महबूब की कोई तारीफ ना करे, जिसके अंदर मुहिब ये चाहता है कि उसके महबूब की कोई बातें भी ना करे। जबकि हकीकी मोहब्बत के अंदर ये होता है कि मुहिब ये चाहता है कि सारे का सारा जहां मेरे महबूब की तारीफ करे, मेरे महबूब के नगमे पर। ये हकीकी मोहब्बत और मजाजी मोहब्बत है। हकीकी मोहब्बत जो होती है ये बिला जिस्म होती है, और जो मजाजी मोहब्बत होती है ये बिल जिस्म होती है। नौजवानों जरा गौर करो, हकीकी मोहब्बत बिला जिस्म होती है, और जो मजाजी मोहब्बत होती है वो बिल जिस्म होती है। कि हकीकी मोहब्बत के अंदर इंसान को अपने महबूब के जिस्म से कोई सरोकार नहीं होता, उसको उसकी अदाओं से सरोकार होता है। जबकि मजाजी मोहब्बत के अंदर मुहिब ये चाहते हैं कि मैं अपने महबूब के जिस्म को हासिल करूं। ये है मजाजी मोहब्बत, जिसके अंदर आज हमारा माशरा डूबा हुआ है। और इसको खत्म किस तरह करना है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग्ज़ु लिल्लाह। किसी से मोहब्बत करनी है अल्लाह के लिए, किसी से बुग्ज़ रखना है तो अल्लाह ताला के। और मियां मोहम्मद बख्श शायर थे, उन्होंने कहा कि जो किसे दा आशिक होवे गल उसे दी करदा, जो किसे दा आशिक होवे गल उसे दी करदा, सो सो मकर बहाने करके ओदे मरने मरदा। कि जब किसी आशिक को किसी से इश्क होता है तो वो अपनी कलाम के अंदर, अपनी गुफ्तगू के अंदर, अपनी मजलिस के अंदर अपने महबूब के नगमे गाता है। वो ये चाहता है कि हर वक्त मेरी महाफिल के अंदर मेरे महबूब का तज़किरा हो। और हम चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, वालेहाना अकीदत का इजहार करने वाले हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए गुलामी के नारे को लगाने वाले हैं, अब हमारा क्या फरीजा बनता है कि हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह करें। उसका इजहार ये है कि मोहब्बत तकाजा तो ये करती है कि मुहिब हर वक्त अपने महबूब की इताअत में रहे, कि मेरे महबूब ने ये काम किया है तो मैंने करना है। आप लोगों के लिए कि मुहिब जो आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला है, उसके लिए जरूरी है कि वह आप अलैहिस्सलाम की हर अदा को पकड़े, चाहे वह उसके घर के मामलात हो, खानदानी जिंदगी हो, चाहे उसकी पर्सनल जिंदगी हो, चाहे उसकी माशर्ती जिंदगी हो, चाहे उसकी माशी जिंदगी हो, जितनी भी मामलात उसके लिए इस दुनिया के अंदर हैं, उन सब में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा। ये बातें सुनने के लिए बड़ी ही क्या कहते होते हैं उसे, कि बड़ी ही बेरुखी सी बातें हैं कि ये बातें जल्दी समझ में नहीं आया करती। लेकिन जिसको ये बात समझ आ जाए कि अपने महबूब ने अपने महबूब के साथ किस तरह रहना है, अपने महबूब की किस तरह पैरवी करनी है, तो यकीनन वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर अदा को, हर अदा के ऊपर गौर करेगा और हर अदा के ऊपर अमल करेगा। आज हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं।
एक छोटी सी बात है, आप अलैहिस्सलाम से हमें मोहब्बत भी है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह का चेहरा हमें पसंद नहीं। नौजवान ये सोचते हैं अभी उम्र ही क्या हुई, अभी उम्र ही क्या हुई, अभी नौकरी लगेंगे, अभी कोई काम करेंगे तो फिर चेहरा मुबारक के ऊपर दाढ़ी को रख लेंगे। जब नौकरी मिल जाती है तो फिर उसके बाद कहते हैं कि अभी तो शादी भी नहीं हुई, शादी हो जाए फिर हम दाढ़ी रख लेंगे। जब शादी हो जाती है तो फिर कहते हैं कि जब बच्चे होंगे तो फिर रख लेंगे। जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर कहते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है, अभी बुढ़ापा पड़ा है तो बुढ़ापे के अंदर हम दाढ़ी रख ही लेंगे, और जो बुढ़ापे के अंदर और हमने काम ही क्या कर लिया। ये कैसी गलत सोच है, ये कैसी आप अलैहि सलातु वस्सलाम से हमारी मोहब्बत है कि हम आप अलैहि सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत का दावा भी करते हैं लेकिन आप अलैहि सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक नहीं चलते, आप अलैहि सलातु वस्सलाम के चेहरे जैसा अपना चेहरा नहीं बना। ये हमारी मोहब्बत है। अगर हम अपने अमालों की तरफ देखें, अगर हम अपने दावों की तरफ देखें तो ये बात आपको कबूल करना पड़ेगी कि हम अपने दावों के अंदर खोखले हैं, हमारे दावे कच्चे हैं, हमारे दावे ऐसे हैं कि जिनका कोई फायदा ही नहीं। उन दावों का फायदा होता है कि जिन दावों के ऊपर इंसान चलता भी हो, और मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करता है तो उसकी इताअत भी करे। आखिरी बात, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक जगह इरशाद फरमाया कि आती अल्लाह व आती रसूल, और दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि फत्तबिउनी, कि तुम मेरी इत्तबा करो। एक है इताअत करना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इताअत हर एक पर लाजिम है, लेकिन ये इत्तबा का मामला ऐसा है कि जब इताअत के साथ मोहब्बत मिल जाएगी, जब इताअत के साथ मोहब्बत मिल जाएगी तो फिर बंदा उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेगा। इत्तबा के अंदर ये होता है कि इत्तबा जब बंदा करता है तो फिर नहीं देखता कि इसमें उसका फायदा है या नुकसान, फिर यो नहीं देखता कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, फिर वो ये नहीं देखता कि माशरा उसको क्या करेगा, फिर वो ये नहीं देखता कि उसके घर वाले उसके साथ क्या करेंगे, फिर वो नहीं देखता कि जहाँ पर वो काम करते हैं वह उस अदारे वाले उसके साथ क्या मामला करेंगे। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा करेंगे तो हमारी आंखें बंद होंगी, हमारी अकल खत्म हो जाएगी। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम इत्तबा करें तो अकल को आगे नहीं लाना चाहिए। तो आज आपके सामने सिर्फ दो बातें की, एक कि मोहब्बत जो है वो हकीकी मोहब्बत करिए, और हकीकी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के साथ ही होती है। जो दूसरी मोहब्बतें हैं लोगों के दरमियान आपस में जो मोहब्बतें, ये मोहब्बतें उस वक्त काबिले कबूल होंगी जब ये मोहब्बतें अल्लाह के लिए की जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा करना हम सब की जिम्मेदारी है, और इत्तबा कीजिएगा तो कामयाब होंगे। और अल्लाह ताला के इस ये जो अल्लाह ताला का इनाम है कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, कि अगर तुम चाहते हो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करे तो फिर तुम मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। अब अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत कर ले, जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत कर ले, जिसको अल्लाह ताला महबूब बना ले, अब उसके लिए क्या ये दूर है कि वो बंदा जन्नत में ना दाखिल हो सके, क्या दूर है कि वो दीने इस्लाम से दूर हो जाए। तो जरूरी ये है कि एक मोहब्बत हकीकी की जाए, दूसरी बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये जो दो बातें हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ हकीकी मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।